हेलो एवरीवन, इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच यू मस्ट अंडरस्टैंड। अगर आप एक वेब्रिज खरीद भी रखे हो या तो आप एक वेब्रिज खरीदने जा रहे हो, आप अगर खरीदने जा रहे हो तो आपको ये नहीं मालूम कि आप एक 9 मीटर का वेब्रिज में इन्वेस्ट करो जो 10 चक्का 12 चक्का के लिए है, कि आप एक 16 मीटर का वेब्रिज में इन्वेस्ट करो जो 18 चक्का या ट्रेलर के लिए है। आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि आपको उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। सो देर आर टू वेज यू कैन गो अबाउट दिस। आप एक 9 मीटर का वेब्रिज लगा लो एक जगह पे, जहां पर आप एक और 9 मीटर का वेब्रिज उसके साइड में लगा सको। आज आप उसको लगा लो और आप स्टार्ट कर दो अपना पेमेंट। अगर आपको ये मालूम पड़ता है ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम कि आपको एक 12 चक्का से नहीं हो रहा है और आपको एक और इन्वेस्टमेंट करना है, या तो आप कुछ रुक के करना चाहते हो, तो उसके बाद उसके सामने एक और 9 मीटर का वेब्रिज हम लोग लगा देंगे। इसको बोलते हैं डुअल प्लेटफॉर्म सिस्टम। इसका ना ए प्लस बी वाला सिस्टम चलेगा। आप एक वेब्रिज पे एक 10 चक्का या 12 चक्का वजन कर सकते हो, इस पे साइमल्टेनियसली एक 10 चक्का 12 चक्का वजन कर सकते हो। ये प्लेटफॉर्म ए है, ये प्लेटफॉर्म बी है। प्लेटफॉर्म ए का वजन आपका इंडिविजुअली आ सकता है, प्लेटफॉर्म बी का वजन इंडिविजुअली आ सकता है। इससे आपको फायदा होगा कि आप दो गाड़ी साथ में वजन कर सकते हो, प्लस आप ये दोनों को मिला के एक ट्रेलर खड़ा कर सकते हो, और ट्रेलर खड़ी हो जाएगी तो आपका वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, आपका ए प्लस बी करके वजन दिखाया जाएगा। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ टेकिंग दिस? यू कैन इन्वेस्ट इनटू अ स्मॉलर वेब्रिज टुडे, अ बिगर वेब्रिज टुमारो। यू डोंट हैव टू रिप्लेस दैट स्मॉलर वेब्रिज टू गेट अ बिगर वेब्रिज। यू डोंट हैव टू बी कंफ्यूज्ड, यू डोंट हैव टू डू ऑल द इन्वेस्टमेंट टुडे। सेकेंडली, अगर आपका एक वेब्रिज में कोई भी एक लोड सेल भी खराब होता है, तो आपका 10 चक्का या 12 चक्का दूसरे वेब्रिज पे हमेशा वजन होगा। अगर आप एक धर्म कांटा लगा रहे हो या आप लगा रखे हो तो आप ये लगाना चाहोगे तो आपके लिए तो बहुत बेनिफिशियल है। इवन फॉर अ कंपनी, यू विल नॉट हैव टू outside and do not have to depend on their accuracy. So a dual platform system is what is suggested if you have purchased a smaller weighbridge and want to convert it to a bigger weighbridge and don't want to invest into the biggest weighbridge. You just want to have a weighbridge installed in front of it so you can play on the A plus B formula. This is something which we are authorized to do and we have approval from the Legal Metrology of India. There are a lot of companies who do it as well. Don't get fooled by them. See their approval on paper and then give them the order for the same. Just ensure yourself ki aap ye dono cheez kar sakte ho. This is for your information, not to sell something. So keep this in mind and don't invest into a bigger weighbridge by scrapping the whole smaller weighbridge. So remember this, but your smaller weighbridge should be in the best condition to be used in the same manner. Just remember this, this is the only point. And if you want to know more about how you can do this and whether you want to purchase this kind of a weighbridge instead of what you were supposed to buy, or agar aapko apne present weighbridge ko change karna hai aur aapko ek aur naya lagana hai, to do contact us on the below mentioned number or the email address. We will be happy to serve you, or leave a comment in the comment section, we will get back to you. If not done already, please press on the bell icon and subscribe to our channel to know more about weighbridges and these kind of features and strategies where you can use your weighbridge smartly and avoid all the kinds of losses which may occur on weighbridges. Thank you so much.